बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सोमवार को मुख्यमंत्री सड़क योजना से बने दो सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 79 लाख की लागत से बने आमा टोला से दिघिया जाने वाली सड़क का उद्घाटन विधायक ने किया। इसके बाद मानसिंह पट्टी से इजोत चिलमिलिया जाने वाली सड़क का उद्घाटन भी किया गया। यह सड़क करीब 81 लाख की लागत से बनाई गई है। इस मौके पर हरिश्चंद्र शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, संजय कुमार महतो, मनोज महतो, कन्हैया सर, मुखिया भरत लाल मंडल, सरपंच मनिक लाल साफी, अलोक कुमार मुन्ना सहित दर्जनों की संख्या में प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास के प्रति संकल्पित है। सभी वसावतों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है, गली मोहल्लों को भी पक्की सड़क से जोड़ा गया है। अब कोई भी गांव नहीं बचा है जो पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया हो। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी सभी क्षतिग्रस्त सड़क को भी मरम्मती किया जाएगा। जर्जर सड़क को मरम्मती के लिए टेंडर हो गया है, लेकिन संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाए जाने की बात उन्होंने जानकारी दिया। संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही किया जा रहा है। बना दल ये रामचंद्र यादव ऐसा यार 11 गो में खूब सड़क के पंचायत के मुखिया जी हैं। हम पहचानते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।